नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक पांडे, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने के बाद जो नतीजे आ गए उसमें से 16 में से 14 मेयर पदों पे विजय हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में आज भी मोदी लहर बरकरार है। भाजपा ने तय किया उसे ऐतिहासिक विजय बताते हुए सारे मेयर्स को गुजरात भी लेके जाया जाए ताकि वहां विधानसभा चुनाव में उनका उपयोग हो। स्थानीय निकाय के चुनाव में बाकी चुनाव के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं, और जब डाटा सोशल मीडिया में आया उसके बाद जितने भी बीजेपी प्रेमी लोग थे उनका सबका कहना था कि बंपर जीत मिलने के बाद भी कुछ मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोग अब प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हुई ये साबित करना चाहते हैं। खबर के पीछे की खबर यह है, उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में जो नतीजे सामने आए वो बहुत ही शॉकिंग है। भारतीय जनता पार्टी के 50% कैंडिडेट्स ने अपनी जमानत खोई है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव भी मेयर के चुनाव के साथ ही हुए थे। वहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं के बराबर रही। नगर निगम सदस्यों में 339, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद में 44, नगर पालिका परिषद सदस्यों में 1612, नगर पंचायत अध्यक्ष में 199, नगर पंचायत सदस्यों में 1462 पदों पे बीजेपी के उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हुए, यानी कुल 12,644 पदों के लिए चुनाव लड़े गए। बीजेपी ने उसमें से 2,366 पद पे जीत हासिल की, 3,656 पदों पे उनके कैंडिडेट के डिपॉजिट जब्त हुए। नंबर दो पोजीशन या नंबर तीन पोजीशन मायना नहीं रखती। यदि स्थानीय निकाय के चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी 50% अपने उम्मीदवारों का डिपॉजिट खोती है तो बीजेपी के हालात उत्तर प्रदेश में क्या है यह आप समझ सकते हैं। क्या इसे हम जीएसटी, नोटबंदी, सुशासन, इस पे लोगों की मुहर माने या लोगों का विरोध? यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।